लिंग पुराण में सात गलतियां बताई है कंगाल होने की। ये गलती अगर आपने भी करी है तो जिंदगी में कितना भी पुण्य करोगे उसका फल नहीं है। आज की कथा को लिख कर रखना, शायद तुम्हारी जिंदगी सवर जाए। लिंग पुराण में सात गलतियां बताई है व्यक्ति को बर्बाद होने की। पहली गलती है, उसमें से अगर आप स्वीकार कर रहे हैं ये गलती तो समझ लो कि गलती आपने करी है। गंगा जल तो बुलवाया टैंकर भरकर, 21,000 बेलपत्र भी समर्पित कर रहे हो। आप मंदिर के अंदर बैठ गए, दर्शन करने वाला आता रहा, किसी को अंदर प्रवेश नहीं दिया। आप गंगा जल चढ़ाते रहे, आप बेलपत्र चढ़ाते रहे, आप स्वयं पूजन करते रहे और दूसरा व्यक्ति ना जाने किस भाव से किस रूप में आकर भगवान की सेवा करना चाहता था, पंडित जी ने आपके चक्कर में उसको जल नहीं चढ़ाने दिया, पंडित जी ने आपके चक्कर में उसको बेलपत्र नहीं चढ़ाने दिया। पहली गलती यह हो गई कि भगवान के भक्त को भगवान से दूर कर दिया गया। अब उठा लो श्रीमद् भागवत कथा, दो देवताओं ने गलती करी थी। एक ब्रह्मा जी ने गलती करी थी कि गाय बछड़ों का हरण कर लिया था। एक वर्ष होने में एक दिन था तब ब्रह्मा जी ने गाय बछड़े वापस दिए थे। दूसरी गलती इंद्र ने करी थी, जलवृष्टि करी तब भगवान कृष्ण को गोवर्धन पर्वत उठाना पड़ा। दोनों देवताओं ने गलती करी पर भगवान कृष्ण ने इंद्र को क्षमा कर दिया पर ब्रह्मा को क्षमा नहीं करा। क्यों नहीं करा? क्योंकि इंद्र को क्षमा इसलिए करा क्योंकि इंद्र ने जब जलवृष्टि करी तो सारे ब्रजवासियों को भगवान के चरणों में लाकर छोड़ दिया। सारे ब्रजवासी गोवर्धन पर्वत के नीचे आकर बैठ गए, भगवान के चरणों में आ गए। और ब्रह्मा ने जो गलती करी वो ऐसी गलती करी कि भगवान से गाय और बछड़ों को दूर कर दिया। जो भगवान से भगत को दूर कर दे उसको शंकर कभी क्षमा नहीं कर सकता। इसलिए बर्बादी का पहला कारण अभक्त और भगवान में दूरी बना दी, भक्त और भगवान की दूरी बना दी। मेरा एक निवेदन हाथ जोड़कर है, हवेली जी हो, ठाकुर जी का मंदिर हो, रामकृष्ण मंदिर हो, शंकर मंदिर हो, किसी भी देवता का मंदिर हो, उसमें भक्त और भगवान में दूरी मत बनवाओ। बन सके तो भक्तों को ले जाकर भगवान के चरणों में छोड़ो। जाओ अंदर दर्शन करो, जाओ पूजन करो, जाओ पाठ करो, जाओ अर्चना करो। आप अगर गंगा जल भी चढ़ा रहे हो, आप अगर बेलपत्र भी चढ़ा रहे हो, 21,000 चढ़ा रहे हो, रोज एक लोटा गंगा जल पूरे सावन के महीने में तुम टैंकर भरवा के बुलवा के समर्पित कर रहे हो, पर निवेदन है एक कोने में बैठकर चढ़ाते रहो, बाकी के भक्तों के लिए कह दो तुम्हारे लिए मंदिर पूरा खुला है, आप खुद चढ़ाओ आनंद करो, तो शायद तुम बर्बाद नहीं होते। भक्त से भगवान की दूरी होती है तो भगवान सहन नहीं कर पाता। भगवान की जब पूजन कर रहे हो, 21,000 बेलपत्र चढ़ा रहे हो, गंगा का जल चढ़ा रहे हो, चंदन चढ़ा रहे हो, अभिर चढ़ा रहे हो, गुलाल चढ़ा रहे हो, तो तुम्हारे भीतर ये अहंकार, जब तुम पूजन करके उठो तो उठते समय तुम्हारे भीतर अभिमान नहीं होना चाहिए कि मैंने जो अनुष्ठान करा उसके बराबर कोई नहीं कर सकता। वो अभी लंका अधिपति रावण की सोने की लंका हनुमान नहीं जला सकते थे, संहिता उठाइए, और रावण संहिता को उठाकर पड़ी है। हनुमान जी सोने की लंका नहीं जला सकते थे, फिर क्यों जल गई, किस लिए जली वो सोने की लंका? केवल कारण इतना था कि रावण जब शंकर की पूजन कर उठता था तो शंकर भगवान से एक शब्द कहता था, भोलेनाथ तुम्हारे सारे भक्तों में मेरे जैसा भगत कहीं नहीं मिलेगा जो तुमको अपने हाथों पर उठा लेता। बस वो अभिमान ऐसा था कि सोने की लंका जल गई, नहीं तो किसी की सामर्थ्यता नहीं थी कि सोने की लंका जले। आपका धन, आपका वैभव, आपकी सत्ता आपके पास रहेगी, आप पर कर्जा कभी नहीं हो सकता, आप पर कर्जा ठहर नहीं सकता, पर कर्जा क्यों बढ़ा, लंका क्यों जली, क्यों बर्बाद हुए, उसका कारण होगा आपकी अभिमत्ता। ये दूसरा कारण है व्यक्ति को बर्बाद होने का, अभिमत्ता। तीसरा कारण कहा, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल, कि भगवान की सेवा तो आप कर रहे हो, भगवान की चाकरी में तो आप लगे हो, भगवान की आराधना भी कर रहे हो, दिया भी लगा रहे हो, धूप बत्ती भी लगा रहे हो, स्नान भी करा रहे हो, पंचामृत स्नान भी करा रहे हो, सारी पूजन अर्चना सब तुम कर रहे हो, पर हो सकता है इस पूजन अर्चना में आप केवल 3 घंटा पूजन करते हो और बाकी के समय किसी न किसी की जीवात्मा को दुख पहुंचा रहे हो। एक कथा में एक बात कही थी कि भले मंदिर में दिया मत लगाओ, भले मंदिर में जाकर धूप बत्ती मत जलाओ, भले मंदिर में जाकर भोग मत लगाओ, भले मंदिर में जाकर जल मत चढ़ाओ,
कुछ मत करो, भले भगवान को नए कपड़े मत पहनाओ, भले तुम्हारी मर्जी पड़े भगवान को भोग मत लगाओ, पर शास्त्र कहता है कुछ मत करो, पर एक काम जरूर करना कि किसी के चेहरे पर प्रसन्नता ला देना तो मंदिर में दिया जलाने के बराबर होगा, किसी के चेहरे पर चमक ला देना, प्रसन्नता ला देना तो अगरबत्ती लगाने के बराबर होगा, किसी गरीबड़े के किसी दुखी के चेहरे पर अगर तुमने प्रसन्नता ला दी तो वो भगवान को कपड़े पहनाने के बराबर होगा। मालूम पड़े तुम मंदिर में पूरी सब्जी बांटो, मंदिर में भोजन कराओ, मंदिर में सारा पकवान चढ़ाओ और कोई तुम्हारे कारण अगर दुखी है तो तुम्हें वो सुख का भान नहीं हो सकता। तीसरा चौथा कारण है कि आप जो पाठ कर रहे हो, आप जो पूजन कर रहे हो, आप जो अनुष्ठान कर रहे हो, उसमें कुछ ना कुछ गलती जरूर हो रही है। ये चौथा कारण। एक बार पूरे घर के लोगों को बिठाओ, अपने घर के लोगों को, मम्मी से पूछना, मम्मी तुम कौन कौन सा पाठ करती हो, एक बार मम्मी से पूछना, फिर एक बार पापा से पूछना, पापा आप कौन कौन सा पाठ करते हो सुबह, फिर बहू से पूछना, भाभी आप कौन कौन सा पाठ करती हो, फिर छोटी दुल्हन से पूछना, छोटी दुल्हन तुम कौन कौन सा पाठ करती हो, भैया आप कौन कौन सा पाठ करते हो, आप कौन कौन सा पाठ करते हो, पूछना। जब घर के अंदर बड़ी बहू अलग तरह का पाठ कर रही है, छोटी बहू अलग तरह का पाठ कर रही है, मंजली बहू अलग तरह का पाठ कर रही है, माँ अलग तरह का पाठ कर रही है, पति अलग तरह का पाठ कर रहा है, तो उसका जो प्रभाव है, कौन सी चीज कहां टकरा रही है जिसके कारण घर में रोग इतना है कि कोई सही होने वाला ही नहीं, और वो कारण आपको दुख की ओर लेकर जा रहा है, बीमारी की ओर लेकर जा रहा है। चौथा कारण है आपका, आपका मंत्र जाप, आपका स्मरण, आपका भजन, आपका पूजन कहीं गलत जरूर है। पांचवा सूत्र महाराज, हमने जो दान किया, हमने जो पुण्य किया, हमने जो सत्कर्म किया, वो किस जगह पर लगा। पांचवा सूत्र, जो आप दान कर रहे हो, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल पास्तु खेत, जो आप पुण्य कर रहे हो, सत्कर्म कर रहे हो, वो किस जगह पर लगा, ये पांचवा सूत्र। फिर निवेदन करेंगे गाय, बेटी और लक्ष्मी, 50 बार विचार करना तब किसी को देना। बेटी किसी ऐसे को मत ब्याह देना जो जुआ खेलता हो, मदिरा पान करता हो, मांसाहार करता हो, वेश्यावृत्ति करता हो, वो बेटी का सम्मान नहीं करेगा, बेटी रोएगी तो कन्यादान करने वाले को रोना पड़ेगा। दूसरे नंबर पर गौ माता, गाय ऐसे ब्राह्मण को दान मत देना कि ब्राह्मण के घर में खुद रहने की जगह नहीं और गाय को ले जाकर तुमने दे दिया और उस ब्राह्मण ने जब तक दूध दिया बांध कर रखा, एक तगाड़ी बाल्टी साड़ी के चक्कर में ले लिया, सोने के सिंह के चक्कर में ले लिया और बाद में वही गाय कसाई के हाथ में बिक गई और कसाई ने काटा तो बद्दुआ तुमको लगी। बेटी, गाय और लक्ष्मी, पैसा भी किसी ऐसे भिखारी के कटोरे में मत दान देना कि जिसने ले जाकर मदिरा पान में लगा दिया, जुए में लगा दिया, वैश्यावृत्ति में लगा दिया। अगर जिस भिखारी के कटोरे में पैसा दिया उसने शाम को ले जाकर मदिरा पान में जुए में लगा दिया तो लक्ष्मी रोती है कि तूने मुझे गलत जगह पर दिया है इसलिए तुझे रोना पड़ेगा, तब व्यक्ति को रोना पड़ेगा। पांचवा कारण अपनी पुस्तिका में लिख कर रखना, तुम्हारे दुख का पांचवा कारण क्या है, क्यों तुम करोड़पति से रोड़पति बन गए। तुम्हारे यहाँ पर चार चार पांच पांच गाड़ी थी, खूब वैभव था, खूब धन था, फैक्ट्रियां चल रही थी, सत्ताएं चल रही थी। भगवान शिव की कथा का छठा कारण बता, हमारे दुख का कारण छठा, छठा सब्सक्राइब करें आदर सम्मान में, घर के जो बड़े हैं, घर के जो बुजुर्ग हैं, घर के जो आदरणीय हैं, उनका सम्मान नहीं करता। सुंदर कहा, जिस घर में माँ बाप की इज्जत नहीं होती उस घर में देखना कभी बरकत नहीं होती। कभी कभी नगर में, गांव में सभी का व्यापार एक साथ समाप्त हो जाता है, कभी कभी, कभी कभी गांव में नगर में सबका व्यापार एक साथ समाप्त हो जाता है, सबका व्यापार एक साथ ही खल्लास हो जाता है, समाप्त, सभी कर्जे में हो जाते हैं। तो समझ लेना कि उस गांव के खेड़े का देव महादेव, उस गांव का खेड़ापति भगवान शंकर, उस गांव का शिव जरूर रुष्ट हुआ, जरूर रुष्ट। उसको मनाने का प्रयास करो जिससे अपनी नगर, अपना गांव फिर उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ जाए। जो अच्छा काम करवा रही है अच्छी कोड़ी आई होगी, सत्कर्म करवा रही है अच्छी कोड़ी आई होगी, और मालूम पड़े एक कोड़ी ऐसी आ गई जो डॉक्टरों में भरवा रही है,
सारा की सारा धन मेडिकलों में लगवा रही है, पुलिस में लगवा रही है, कहीं गलत जगह पर लगवा रही है, कहीं एक्सीडेंट में लगवा रही है। जो कोड़ी गलत जगह पर धन को लेकर जा रही है, समझ लेना कि वो कोड़ी बेकार आ गई, जो सारा का सारा बर्बाद करने में लगी हुई है। उस कोड़ी को पहचानो कि वो कोड़ी कौन सी है। सातवां कारण, शिव महापुराण का, लिंग पुराण का लिख कर रखना कि एक कोड़ी ढूंढना कि वो कोड़ी कौन सी घर में आ गई जो हमें बर्बाद कर चली गई। वो कोड़ी को ढूंढना। सावन से लेकर अभी तक की कथा की सबसे सुंदर रसत्वान आज की कथा के सात कारण शायद आपकी जिंदगी को बना दे। सा आज बाबा ने अगर बुलवाया है इस व्यासपीठ से तो आपके लिए बुलवाया होगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।